गढ़मुक्तेश्वर में नगरपालिका परिषद गढ़ के चेयरमैन इन दिनों मैदान में नजर आ रहे हैं, जो कि शिकायत मिलने के बाद जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव को लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है, जिसके चलते गढ़ नगरपालिका के चेयरमैन सोना सिंह अब जनता के बीच जा रहे हैं और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था आदि को लेकर आ रही समस्याओं का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं। सफाई निरीक्षण की शिकायत मिल रही थी, सफाई हमारे यहाँ पर नहीं होती है ब्रिज घाट से। आज मैं ब्रिज घाट पर सफाई के लिए देखने आया तो मैंने जो पाया, हमारे यहाँ ये दो हैं स्लो शौचालय है, जो कि तो इसके मोबाइल टॉयलेट है, दोनों बंद पाए गए। इनके अंदर पानी नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, बच्चे लैट्रिन करते नहीं, दब मिले। मैंने फिर आगे अंदर देखा था, हमें रिपोर्ट दी जा रही है 2 साल से कि ODF हो चुका है। जब मैंने आगे यहाँ देखा तो इसके अंदर ताला लगा हुआ है, ये 20 सीटर फ्लो शौचालय बना हुआ है, आज तक खुला ही नहीं। इन लोगों का कहना ये है कि 27 साल हो गए आते चला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को जो भ्रमित किया जा रहा है, बदनाम हम होते हैं, अधिकारी हमें भ्रमित करते हैं। मैंने अधिकारी नोटिस दूंगा इस बारे में, और जो उच्च अधिकारी हैं DM है, कमिश्नर है शासन में, इसकी रिपोर्ट भेजूंगा कि हमारे अधिकारी हमें भ्रमित करके जनता गुमराह कर रहे हैं। कौन-कौन अधिकारी इसमें मैन जो रोल है, एक तो EO साहब का होता है और दूसरा सफाई निरीक्षक का, बस दो ही आदमी देखते हैं नगर पालिका को। हमें तो ये बता दें सर चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। आज मैंने 3 जगह दौरा किया है, सीरा कैसे वाली मंडिया गया, वहाँ ताला लगा मिला, उनसे पूछा, लोगों से कहने जी यहाँ तो बंद आज तक चला ही नहीं है। फिर मैं नए बांस गया, नए बांस देखा वहाँ भी शौचालय बंद है, वहाँ भी आज तक चालू नहीं हुआ है। ये 3 जगह मैंने चेक कर लिया है, 4 जगह बोर्ड जाकर देखूँ क्या है। मैं शमशान घाट इस पर गया, आरती स्थल पर अपने घाट पर गंगा जी किनारे पर, तो वहाँ का शौचालय जो बंद पाया गया और जो चेंजिंग रूम है उसमें ताला लगा हुआ था, अंदर सारा भी सोया हुआ था। ताले पता है कौन लोग लगा रखे हैं, कुछ लगा रखे होंगे, लेकिन जिम्मेदारी जो बनती है हमारे नगर पालिका बनती है, हमारे EO साहब बनती है और हमारे सफाई निरीक्षक की बनती है, उनकी लापरवाही उजागर हो रही है। उन्हें सख्त से सख्त कार्य करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि वो काम सुचारू रूप से करें और जनता को भ्रमित ना करें। गढ़ के नगर पालिका चेयरमैन सोना सिंह ने ब्रजघाट समेत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां शौचालय बंद पाए गए, साथ ही आवारा पशु कूड़ा खाते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए। आने वाले चुनाव को देखते हुए सोना सिंह ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और हालातों को जाना, साथ ही ब्लेम गेम खेलते हुए अधिकारियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर नगर पालिका के चेयरमैन सोना सिंह के बयान पर निगाह डाली जाए तो आपको सुनने में आएगा कि 7 साल पहले बने शौचालय को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। आइए एक बार फिर से सुनाते हैं सोना सिंह का ये बयान। उनके अंदर पानी नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, बच्चे लैट्रिन करते नहीं, दब मिले। मैंने फिर आगे अंदर देखा था, हमें रिपोर्ट दी जा रही है 2 साल से कि ODF हो चुका है। जब मैंने आगे यहाँ देखा तो इसके अंदर ताला लगा हुआ है, ये 20 सीटर फ्लो शौचालय बना हुआ है, आज तक खुला ही नहीं। इन लोगों का कहना ये है कि 27 साल हो गए आते चला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले नगरपालिका के चुनाव को देखते हुए सोना सिंह को जनता की याद आई है, जिससे उनकी लगातार किरकिरी हो रही है। बताते चले कि सोना सिंह साल 2006 में नगरपालिका गढ़ के अध्यक्ष बने, इसके बाद साल 2017 में जनता ने सोना सिंह को चेयरमैन बनाया। लेकिन सर आप सोचिए कि जिसे इतने वर्षों में अपनी जनता की याद नहीं आई, वो खामियां मिलने पर अधिकारियों पर गरज रहा है।